नमस्कार, आपका स्वागत है हिंद भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रिया राय। मुझे देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इस बार कौन सा पॉलिटिकल मुद्दा लेकर सामने आई हूं। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को वोट मिलेंगे और कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, तो अब आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रही हूँ और किस राज्य की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार चुनाव यानी सबसे चर्चित चुनाव के बारे में। तो देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव को लड्डू बांटने का मौका मिलता है या फिर से पेड़े नीतीश कुमार ले जाएंगे। पेड़े से मुझे एक बात याद आती है। कुछ दिन पहले एक पोस्टर छपता है आरजेडी का और वो आरजेडी कार्यालय के सामने लगा होता है। उसमें बड़ी सी तस्वीर होती है तेजस्वी यादव की, पर उसकी खास बात ये थी कि शायद पहली बार इस बार उस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव नहीं दिखे। तो ये महान काम करने वाले कोई और नहीं, उन्हीं के सुपुत्र तेजस्वी यादव द्वारा करवाया गया था। खैर, पोस्टर से हटकर अगर हम चुनाव की ओर छलांग मारे फिर से, तो चुनाव विधानसभा आयोग की टीमें बड़ी सख्त हो गई हैं। इनकी दो सदस्यों की टीमें अब बिहार दौरे पर चल पड़ी है, यानी कि ये जगह जगह जाकर बिहार के जो हालात हैं उसके जायजे कर रही हैं। चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तो बढ़ी हुई है, लेकिन अगर और हम आगे बढ़े तो चुनाव की वजह से राज्य में इतनी सरगर्मी बढ़ गई है कि पीएम मोदी तो राज्य को लेकर ताबड़तोड़ एक के बाद एक सौगाते दिए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ तो आ ही रही थी, पीएम मोदी ने इतने तोहफे दे दिए कि तोहफों की बरसात हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। इन तमाम घटनाक्रमों से संकेत मिल रहे हैं कि इसी सप्ताह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में एक सवाल तो जरूर उठता है, कोरोना काल को लेकर बिहार के चुनाव कितने चरणों में होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव जो 2 से 3 बार, वो 6 से 7 चरणों में हुए थे और इस बार कोरोना और बाढ़ के चलते बात चल रही है कि 3 से 4 चरणों में ही बिहार के चुनाव को निपटा दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवम्बर को समाप्त हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार का बिहार चुनाव 3 से 4 चरणों में होंगे। चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम अलग अलग जिलों में चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रही है। चुनाव आयोग की सूत्रों की माने तो आगामी रविवार को या उससे पहले बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है। बता दें कि मंगलवार को चुनाव आयोग की टीम भागलपुर में 12 जिलों के DM और SP के साथ समीक्षा बैठक की। भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों के जिलाधिकारियों और SP और SSP के साथ समीक्षा बैठक की। ऐसी उम्मीद है कि इन जिलों में एक ही दिन चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम बोधगया में समीक्षा बैठक करेगी। बोधगया में 7 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक करेगी। बोध गया जी वहीं जहां पिंडदान किया जाता है, हिंदुओं में बड़ा धर्म माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जिले हैं गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास। इन 7 जिलों में एक ही तारीख को चुनाव कराने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निष्पक्ष और पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला है कि अगर फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कोई भी झूठी या गलत खबरें फैलाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कोई भी नेता या उम्मीदवार अपनी खबर फैलाता है तो उसका पहले फैक्ट चेक किया जाएगा और फैक्ट चेक की जानकारी जिला प्रशासन अपने ट्विटर, फेसबुक या वेबसाइट पर डाल देगा। चलिए और आगे चुनाव की बात करें तो किसी और राज्य की तुलना में बिहार को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी देखी जाती है। बात ही सही है, क्योंकि नज़दीकी इतिहास ही उठाकर देखें तो 2009 से लेकर अभी तक के चुनाव में बिहार में कभी गठबंधन बदले हैं, समीकरण बदले हैं, कभी मुद्दे बदले हैं, जिस वजह से देश की राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है।
तो चलिए मुद्दे क्या होते हैं ये तो हर कोई बताता है कि सड़कें नहीं हैं, स्कूल में सही शिक्षा नहीं है, खाने को राशन नहीं मिल रहा है, कोरोना की लापरवाही, महिलाओं का ध्यान, सेफ्टी, बहुत मुद्दे उठाने को तो उठा सकते हैं, लेकिन मुद्दे क्या नहीं उठने चाहिए आज मैं आपको ये बताऊंगी। मुद्दा नंबर पहला, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राजकाज के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दा नहीं उठना चाहिए कि उन्होंने 15 साल में क्या किया क्या नहीं किया, अब उस बात को मुद्दा मत बनाएं। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के 7 चुनाव हो चुके हैं। सन 2005 में ही 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए और बिहार के लोगों ने दोनों बार निर्णायक रूप से लालू राबड़ी की पार्टी RJD को हराया। उसके बाद एक बार 2015 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ थे तो हर चुनाव में RJD पूरी तरह से हारी। 2010 के विधानसभा चुनाव में तो 243 में से महज 22 सीटें मिली। 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी RJD की हार पड़ी होती गई। 2009 में उसे 5 सीटें मिली थी जो 2014 में घटकर 4 हो गई और 2019 में तो शून्य पे पहुंच गई। मुद्दा नंबर 2, लालू प्रसाद जी का चेहरा दिखाकर नेतृत्व के बाद पर लोगों को डराना बंद करें। बिहार के लोगों को लालू प्रसाद की फोटो दिखाते उनका काम दिखाकर डराना बंद कर देना चाहिए। इस मुद्दे से अब और कुछ नहीं होगा। मुद्दा नंबर 3, आरक्षण का मुद्दा नहीं होना चाहिए। बिहार में आरक्षण के मुद्दे से जितना नुकसान हुआ है उतने देश में किसी राज्य का नहीं हुआ है। आरक्षण की राजनीति के कारण ही बिहार की राजनीति मंडलवादी सोच और जातीय ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। देश के दूसरे सभी राज्यों ने मंडल की राजनीति छोड़ दी है। बिहार से अलग हुए झारखंड में या बिहार से सटे बंगाल और उत्तर प्रदेश में मंडल के मुद्दों पर राजनीति नहीं होती है। आरक्षण वहाँ कई मुद्दों में से एक मुद्दा होता है, लेकिन बिहार की राजनीति में ये एक केंद्रीय मुद्दा होता है। इस मुद्दे की ओट में बाकी सारे जरूरी मुद्दे छिप जाते हैं। मुद्दा नंबर 4, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य का जो स्तर है उसका इंडेक्स है वो बहुत कम है बिहार का, शिक्षा में कम ही नज़र आ रहा है और यहाँ तक कि बिहार में पलायन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम एक तरफ हैं तो राम मंदिर मॉडल दिखाकर बहुसंख्यक हिंदुओं की दूसरी तरफ गोलबंद किया जाए। पिछली बार भाजपा के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहकर वोट मांगा था कि अगर भाजपा हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। इस किस्म का प्रचार इस बार नहीं होना चाहिए। मुद्दा नंबर 5, लोग नारे लगाते हैं, लोग कहते हैं कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कहना गलत है। माना नीतीश कुमार को केंद्र और राज्य से मिलाकर 25 साल का अनुभव है, लेकिन उनका ये बार बार कहना कि तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये मुद्दा मत उठाइए। इलेक्शन है, काम करिए। 25 साल राज करने का अनुभव लेकर नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है, ये मुद्दा होना चाहिए। उनको अनुभव है या उनके चेहरे के आगे तेजस्वी नहीं टिकते हैं, ये राजनीतिक विमर्श नहीं होना चाहिए। तेजस्वी क्या कह रहे हैं और 1.5 साल तक उनको नीतीश कुमार के साथ बतौर उप मुख्यमंत्री काम करने का मौका मिला था, तो उन्होंने कैसा काम किया था, इस कसौटी पर उनको कसा जाना चाहिए। ये सब मुद्दे होने चाहिए। तेजस्वी को इस कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए कि वे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बेटे हैं। जब लालू राबड़ी दोनों का राज खत्म हुआ तब तेजस्वी नाबालिग थे, इसलिए लालू राबड़ी के राज की गड़बड़ियों को लेकर तेजस्वी को दोष देना ठीक नहीं है। ऐसे ही पॉलिटिकल और चुनाव से संबंधित दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।